स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, बेडरूम में गुलछर्रे उड़ा रहे थे, पहुंच गई पत्नी। विरोध करने पर इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर ने बाल पकड़कर घसीटा, मारपीट की। बिलासपुर में पत्नी की पिटाई करने वाले चौक से इंजीनियरिंग कॉलेज के संचालक पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। उनकी पत्नी घर से बाहर थी, वापस घर पहुंची तब बेडरूम में दूसरी महिला को देख विरोध किया, तब पति ने झगड़ा करते हुए उनका बाल पकड़कर घसीटते हुए मारपीट करने लगा। घटना सकरी थाना क्षेत्र के राम लाइफ सिटी की है। पलक जायसवाल 35 वर्ष रामा लाइफ सिटी में रहती हैं और व्यवसाय करती हैं। उनके पति आशीष जायसवाल चौक से इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर हैं। दोनों की 8 साल पहले शादी हुई है, उनकी एक बेटी भी है। पलक ने पुलिस को बताया कि उनके पति छोटी छोटी बातों को लेकर उनके साथ आए दिन मारपीट करते हैं, उनकी 1.25 साल की बेटी को भी प्रताड़ित करते हैं। पारिवारिक मामला होने के कारण वो चुप रही और सब कुछ सहती रही। पलक जायसवाल ने बताया कि शनिवार सुबह वो अपने निजी कार्य से घर से बाहर गई थी। जब वो घर लौटी तब बेडरूम में दूसरी महिला थी, उसे देखकर पलक जायसवाल ने विरोध किया। इस पर पति आशीष ने कहा कि उनकी निजी जिंदगी में दखल देने वाली मैं कौन होती हूँ। इतना ही नहीं, इसके बाद आशीष ने उनका बाल पकड़ लिया और हाथ मुके से पिटाई शुरू कर दी, फिर जान से मारने की धमकी देने लगा। अप्रैल में चाकू लेकर दौड़ाया था पति। पलक ने पुलिस को बताया कि 6 अप्रैल को भी उस महिला को लेकर उनका पति आशीष घर लेकर आया था, जिसका विरोध करने पर उसने मारपीट की और चाकू लेकर जान से मारने के लिए दौड़ाया। इस दौरान उसने पलक के भाई देवेंद्र जाजदिया पर भी हमला किया था।